जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। पर्यावरण की रोज आपकी स्पेशल क्लास होती है शाम को 7 बजे, ठीक है। तो जो भी एमपी टेट एग्जाम वाले हैं, सीटीईटी वाले हैं, वो पर्यावरण को देखना ना भूलें। सभी लोग पर्यावरण की वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। फटाफट से अपने उत्तर को संभाल के रखें और उत्तर बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है, जो भी हमारे नए साथी हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। तो जल्दी बताना है आपको, भारत में पवित्र उपवन कहां स्थित है, जल्दी बताना है। चार विकल्प है आपके पास, है ना, और आपको जो उत्तर है वो सामने ही आपको दिख गया है, तो कोई बात नहीं है, है ना। भारत में पवित्र वन जो उपवन है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीज तो सभी को पता है कि भारत में जो पवित्र वन उपवन है वो आंध्र प्रदेश में है। अभी आंध्र प्रदेश कहां पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो इसकी जो तटवर्ती सीमा है इतनी लंबी है, और ये उड़ीसा है आपका, ठीक है। यहां पर एक आर्द्र भूमि झील है, कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। यहां पर कोलेरू है, ये चीज आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, डिब्रू सैखोवा, कंचनजंगा या फिर कोई नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है कि जो सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, जल्दी बताएं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं तो उत्तर हो जाएगा क्या, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। जिन्होंने भी बताया है मन्नार की खाड़ी, उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा, ठीक है। ये डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है। तो याद रख लेना, 10,500 है ना वर्ग किलोमीटर में फैला है ये मन्नार की खाड़ी। और आपको बता है दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच जो खाड़ी है वो उस खाड़ी को क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी कहते हैं, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो याद रख लेना, मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तमिलनाडु, ठीक है। और डिब्रू सैखोवा आपने पढ़ा है, डिब्रू सैखोवा ये कहां पर है, असम में है, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा और सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी। ये चीज आपको दोनों क्वेश्चन याद रखनी है, ठीक है। विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से भारत में कितने हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र आपको पता है दोस्तों, तो 36 हैं विश्व में, कितने हैं, 36 हैं। अब भारत में कितने हैं ये आपको बतानी है, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं या फिर 5 हैं, तो कितने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट आप लोग जानते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है वहां पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है ना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है 4, कितने हैं, 4 हैं। अब देखो दोस्तों कौन कौन से 4 हैं, हिमालय है ना, इंडो वर्मा, सुडालैंड, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र कहां पर है, भारत में है। इनको आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से बताइए कौन सा हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए, हिमालय, इंडो वर्मा, सुडालैंड और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ठीक है, तो याद रख लेना है। और भारत में प्रथम बाघ गणना कब की गई थी दोस्तों, आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 4 में, जो बाघों की गणना की गई थी वो कब की गई थी भारत में। तो आपका राष्ट्रीय जो आपको बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर, भारत में
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों क्या, 1972। ठीक है, 1972 में क्या हुई थी, प्रथम बार बाघों की गणना की गई थी, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और आपको पता है 1972 में बाघों की गणना की गई और 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हो गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, 1973 में, 1972 में बाघों की गणना की गई, और सर्वप्रथम जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, संरक्षित क्षेत्र बनाया गया बाघों के लिए, तो वो कौन सा बनाया गया, जिम कार्बेट। ठीक है, तो जिम कार्बेट आपको याद रख लेना है, और ये जिम कार्बेट कहां पर है, तो उत्तराखंड में है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जिम कार्बेट के बारे में। और अगला आपको बताना है, निम्न में से किसे विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में रखा गया है, चार विकल्प है विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में आपको बतानी है। केवलादेव, केवलादेव आपको पता है राजस्थान में है, पश्चिमी घाट आपको पता है केरल में है, शांत घाटी है इसी में। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है असम में है, एक सिंह बाले गेड़े के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में जो रखा गया वो सभी को रखा गया, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, यहां पर आपका पश्चिमी घाट है, शांत घाटी या साइलेंट वैली है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, चार विकल्प हैं दोस्तों, चार में से आपको चयन करना है। और 1972 में हमने देख लिया कि बाघों की जनगणना हुई। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी 1972 में बना, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया। ठीक है, तो गैंडा परियोजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा 1987, यानी कि जो बा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई, 1973 में दोस्तों आपको टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया, और 1972 में बाघों की जनगणना भी हुई। ठीक है, प्रथम बार भारत में, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम शामिल किया गया। और गैंडा की बात आती है तो एक सिंह वाले गैंडा के लिए असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित हैं, तो इनको आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, मानस, सरिस्का, पेंच या फिर कान्हा, तो ये चार विकल्प में से आपको चयन करना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, ये बतानी है आपको। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, तो वो कौन सा है, पेंच। कौन सा है, पेंच, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो पेंच वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और महाराष्ट्र है ना, तो ये दो राज्यों में फैला हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना। और मानस तो आपको पता ही है ना, कहां पर है, असम में, सरिस्का राजस्थान में, और कान्हा मंडला में, मध्य प्रदेश के मंडला में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा सिवनी का क्षेत्र, यहाँ पर आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला है। ठीक है, याद रख लेना है। अगला आपको बताना है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान बताना है, सुंदरबन है, कान्हा है, नंदन कानन है, या फिर मन्नार की खाड़ी है, ये चार विकल्प में से हमें चयन करना है कि कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आपको पता है दोस्तों कि जो सुंदरबन है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नंदन कानन आपका उड़ीसा में है, सफेद बाघों के लिए हमने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के लिए बांधवगढ़ जाना जाता है, और अगर बात करें उड़ीसा में तो नंदन कानन सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ब्रेडरी प्रजाति के 12 संघा के लिए संरक्षित क्षेत्र है ना, और यहाँ पर आपको टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा में चलाया गया था। और जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी, यानी कि जो डी नंबर है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी है मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है ना। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है, कहां पर स्थित है जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद में। तो चार विकल्प हैं, चार में से आपको एक चयन करना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो कहां पर है? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई में आपका जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है ना। और आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु, है ना। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु और कहां पर? केरल में इलायची पहाड़ी है, केरल में इसका 26% भाग है इलायची पहाड़ी का, और तमिलनाडु में 74% भाग है ना। तो याद रख लेना। और साइलेंट वैली आपका कहां पर है? केरल में, तो इसको भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान बताना है दोस्तों। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, ठीक है, मानस आपका असम में है, कान्हा आपका मंडला में है मध्य प्रदेश के। तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? नामदफा। नामदफा यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ये कहां पर है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यानी कि सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, यहां पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो याद रख लेंगे। और ये सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान भी है नामदफा, ठीक है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में क्या कहा जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है तो किससे संबंधित है? चार विकल्प में से चयन करना है और उत्तर हमें बताना, ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन मफलर किशन जी ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि जो आपका आ नंबर है रवीना जी, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? लो चार विकल्प है, 12 का आंसर आपको बताना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, तो ये कहां पर है दोस्तों? जिनेवा। जिनेवा यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और जिनेवा में और कौन सा है? WHO। WHO का मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहां पर है? जिनेवा में है। यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, AEBA का पूर्ण रूप क्या है? EBA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो AEBA का पूर्ण रूप बताना है और प्रश्न क्रमांक 13 है, टोटल 20 प्रश्न रखे गए हैं और 20 प्रश्न में बता देना कि सर हाँ हमने 15 सही किए हैं। तो जल्दी से बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर क्या हो जाएगा EBA का। तो कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, और बताएं कौन किसको पता है इसका आंसर। अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी उत्तर बताया है सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको,
निम्न में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? पांडुरंग हेगड़े साहब, मेधा पाटीकर, बाबा आमटे या फिर अरुंधति राय। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है कि ये जो आपका सरदार सरोवर डैम है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सरदार सरोवर डैम गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और इसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई थी वो कितनी थी? 130 मीटर। 130 मीटर के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई और इसकी जो अब ऊंचाई है वो कितनी है? 90 मीटर बची है। ठीक है, तो याद रख लेना सरदार सरोवर जो डैम है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इससे जो संबंधित व्यक्ति नहीं है तो कौन नहीं है आपको उत्तर बताना है दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति राय, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आमिर खान, ये सभी हैं। पांडुरंग हेगड़े नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है, जो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, तो पांडुरंग हेगड़े आपका सही होगा और ये है आपका दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, और गुजरात में यहाँ पर नर्मदा जिले में सरदार सरोवर डैम है और नर्मदा नदी यहाँ से अनूपपुर से निकल करके गुजरात में खंभात की घाड़ी में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, दीपोर बिल आर्द्र भूमि स्थित है तो कहां पर स्थित है? आर्द्र भूमियां आपको पता है कि कितनी है? 27 आर्द्र भूमि है भारत में और 27 में से दीपोर बिल आर्द्र भूमि बतानी है। 2 फरवरी को आप विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हो। ठीक है, कब मनाते हो? 2 फरवरी को मनाते हो और दीपोर आर्द्र भूमि ये कहां पर है? तो जल्दी से उत्तर बताना है दोस्तों और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 हो गया लेकिन दीपोर बिल कहां पर है? तो असम में है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है? असम। और ये है दोस्तों आपका असम, यहां पर आपकी दीपोर बिल, दीपोर बिल आर्द्र भूमि है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी है? भोज आर्द्र भूमि है। उड़ीसा में चिल्का आर्द्र भूमि है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका केवला देव, केवला देव आर्द्र भूमि है और सांभर, सांभर आर्द्र भूमि भी कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इनको तो आपको याद करना ही है, ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे। आर्द्र भूमि रुद्र सागर झील स्थित है तो कहां पर स्थित है? रुद्र सागर मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा या फिर असम में। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है, रुद्र सागर झील बताना है दोस्तों। और एक चीज और बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है वो भी आप लोगों को बताना है। रुद्र सागर झील भी बतानी है कहां पर है। और लास्ट में ईमानदारी से बता देना कि सर मैंने कितने प्रश्न अटेंड किए और कितने नंबर आपको मिले हैं, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं और लगभग 5-6 महीने से 1 साल से पर्यावरण पढ़ रहे हैं, है ना। रुद्र सागर झील स्थित है तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी बी नंबर आपका सही होगा। त्रिपुरा ऐसा राज्य दोस्तों, यहां पर देखो ये त्रिपुरा है, है ना। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है और ये आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से यहां से घिरा है और यहां से घिरा है, यानी कि 3 तरफ से घिरा है। कौन सा? बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा है, है ना। और यहां पर कौन सी झील है? रुद्र सागर झील है, है ना। मेघालय में आपको पता है कि मौसिन राम और चेरापूंजी, है ना, सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है, कहां पर है? मेघालय में है। मणिपुर की बात करें तो यहां पर कौन सी झील है? लोकटक झील है, लोकटक झील। और इसमें एक उद्यान है, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कैमलोम झाव है और ये कहां पर है? लोकटक झील, मणिपुर में है। ठीक है, बात असम की करें तो एक सींग वाले गेड़े के लिए जाना जाता है यहाँ का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और रुद्र सागर झील जो है वो कहां पर है? तो रुद्र सागर झील है त्रिपुरा में। ठीक है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो 17 का आंसर आपको बताना है, किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? 4 विकल्प है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, प्रश्न कठिन लगते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है वीडियो, और आप सुनते रहते हो निरंतर 7:30 बजे वाली क्लास आप अटेंड करते हो, तो पर्यावरण का ऐसा कोई भी
आपका प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा, क्योंकि एक एक प्रश्न एक एक फैक्ट पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल के आप तक ले आ रहा हूँ कि क्लास जो है बिल्कुल स्पेशल ही हो। और औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है तो वो किसकी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की, यानी कि सा नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है सी नंबर। अगला आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रामिड होता है तो कैसा होता है, आठ का उत्तर बताना है। अब यहां से आपके दो शब्द निकल के दो प्रश्न और निकल के आते हैं। एक प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। तो पारिस्थितिकी का हमने पढ़ा था अर्नेस्ट हेगेल साहब ने किया था 1869 में। फिर बात करें कि 1935 में पारितंत्र शब्द जुड़ गया, पारितंत्र है ना, तो पारितंत्र का जो प्रयोग किया सर्वप्रथम वो किसने किया, एजी टांसले साहब ने, है ना, टांसले साहब ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया 1935 में। और दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का अर्नेस्ट हेगेल साहब ने किया। और पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रामिड होता है वो कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बी नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, वर्षा वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर, किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा, मात्रा पूछी गई है तो उत्तर आपको बताना है। और सभी लोग बताएंगे, हाँ वेरी गुड, जल में उल्टा होता है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का क्या हो जाएगा, वायुमंडल में नमी पर, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अधिकांश लोग डी लगा रहे हैं तापक्रम पर, कुछ लोग लगा रहे हैं सी, लेकिन आपका सही आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बी नंबर। अधिकांश लोगों ने गलत बताया क्वेश्चन और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, लास्ट है, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन सा उदाहरण है जो करता है, घास बकरा आदमी, घास गेहूं आम, बकरा कौवा हाथी, या फिर घास मछली बकरा, कौन करता है खाद्य श्रृंखला का निर्माण। चार विकल्प हैं आपके सामने, उत्तर का चयन भी आपको ही करना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो जल्दी जल्दी से उत्तर बताएं। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, ए यानी कि घास, घास को बकरा, बकरा को आदमी, है ना, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर, ये क्या है, वेरी गुड, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंज प्रश्न है, वो क्या है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं, शाकाहारी जंतु आते हैं, हरित जंतु हरित पादप आते हैं, सर्वभक्षी जंतु आते हैं, या फिर मांसाहारी जंतु आते हैं, ये आपका चैलेंज प्रश्न है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, किसी का आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है चैलेंज प्रश्न आपको बताना है। और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे और मस्त मस्त प्रश्न आते रहेंगे, और 20 में से फटाफट से बता देना है किसने आज कितने गलत किए हैं, ठीक है जल्दी से बताना है किसने कितने प्रश्न आज गलत कर डाले हैं, क्योंकि प्रश्न का थोड़ा सा लेवल क्या है, कुछ प्रश्न सरल थे, कुछ प्रश्न इसमें कठिन रखे गए थे, है ना, तो वेरी गुड, बहुत सारे लोग बता रहे हैं और जल्दी जल्दी से बताना है। श्री कृष्णा जी, माही जी, मनीषा जी, पंकज जी, रितु जी, है ना, बहुत बढ़िया, और सिंह एकता जी, मनीषा जी, राखी जी, रुक्मणी, पूजा जी, माही जी, उमंग जी, निशा जी, मोहन, मनीषा जी, दीपक जी, श्री कृष्णा जी,
अब आपकी बारी है 20 में से 14 जुगल लोधी जी, 18 से 13, 20 से 15 रितेश जी, 17 से 13, 21 से 17 है ना, 5 रॉन्ग हो गए अंजना जी, 20 से 17, 21 से 17 है, 20 से 12 है निशा जी, 21, ठीक है, 21 से 17, 17 से 13 मोहन बघेल, 20 में से 15 है मनीषा जी, 21 से 17 है किशन जी के, 14 है 20 में से, 20 से 15 रितेश जी, ठीक है, और 20 में से 17, 14 में से 12, अवस्थी मनीष जी, लोकेंद्र जी, रवि जी, श्री कृष्णा, किशन जी, 6 गलत हो गए हैं, बहुत बढ़िया, रवि, महेंद्र, रुक्मणी, मनीषा जी, राधा, अवस्थी जी, राजेश जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें, और प्रश्न भी कुछ कठिन थे है ना, और कुछ सरल थे, ठीक है। अब आपको ये पेरेंट्स ने आपको ही बताना है, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसको आपको ढूंढना है और उत्तर कमेंट में आपको ही लिखना है। ये प्रश्न चैलेंज प्रश्न है, ठीक है, और आपको ही बताना है चैलेंज प्रश्न का उत्तर, कमेंट में लिखेंगे, ढूंढ के लिखें, कहीं से भी लिखें, आपको पता है तो लिखें, ठीक है, बहुत बढ़िया। माही, श्री कृष्णा, मनीषा, राधा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और जिसको इसका उत्तर मिल जाए वो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है, वीडियो के बाद में भी, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो भी साथी अभी तक क्या नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इससे इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, और मैसेज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पंकज जी, इसका उत्तर आपको ही देना है, अब वो उत्पादक में है, किस में है, वो आपको ढूंढना है और उत्तर बताना है, ठीक है। राधा, अंजना, मनीषा जी, है ना, अब आंसर आपको ही बताना है, सभी लोगों को आंसर बताना है, ढूंढ के बताना है, ठीक है। अरविंद मिश्रा जी, 30 प्रश्न नहीं हो पाते अरविंद जी, और भी क्लासें रहती हैं, है ना, और भी क्लासों का क्या मतलब मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ता है, इसलिए 20 प्रश्न, और 20 प्रश्नों में अपने लगभग 40 प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं, 20 प्रश्न में लगभग 40 प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइक करें, और चैलेंज प्रश्न को देख करके, समझ करके, ढूंढ करके उत्तर आपको बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।